क्यों करा जाता है पूर्णिमा का व्रत? पूर्णिमा का व्रत करने का कारण क्या है बताइए? आप इतने सालों से कर रही हो, कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत। एक समय फलाहार करती हैं, एक समय भोजन करती हैं। भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में, दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत में। 12 महीने की पूर्णिमा करो मना नहीं है, और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है चैत्री, चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है चैत्री पूर्णिमा, पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते, कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा कहते, सिद्ध करने में मनोरथी पूर्णिमा कहते, मनोरथी पूर्णिमा। इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहां से उठाया जाता है? चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगी, तो चैत्र पूर्णिमा से उसको उठा लिया जाता है। पर उसका एक नियम रहता है, आप फलाहार करें अपनी जगह पर है, पर एक समय भोजन कर रहे हैं वो अपनी जगह, पर भोजन के साथ में मीठे के साथ थोड़ा दूध की सामग्री होना जरूरी होती है। और क्यों करते हैं पूर्णिमा का व्रत, किस लिए किया जाता है, क्यों करा जाता है, उसका व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया। स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेदव्यास जी महाराज ने, कहा यह पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा यह चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। चंद्र डोल रहा है। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है, मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है। बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी अन्य व्यक्ति को आकर्षित हो, चंद्र गड़बड़ हो रहा है, उसका चंद्र कहीं जा रहा है। कोई पुरुष, कोई लड़का, कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, चंद्र गड़बड़ हो रहा है। घर में जो क्लेश उत्पन्न होता है, घर में जो विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद को रोकने के लिए केवल चंद्र की ही, इसलिए तो पूर्णिमा घर की नारियां हमारी हिंदू धर्म में यहां तक स्कंद पुराण में कह दिया कि प्रत्येक पूर्णिमा, आप लोग कभी कभी आप लोगों ने सत्यनारायण जी की कथा करवाई है, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनने कभी सत्यनारायण की कथा करवाई होगी, तो उसमें लिखा है हर कार्तिक, हर पूर्णिमा को, हर संक्रांति को ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा या राजा या वैश्य कथा को कराता था, या बढ़िया कथा कराता। सुनी कि नहीं सुनी ये बात? सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है, स्कंद पुराण के अंतर्गत जो सत्यनारायण भगवान की कथा का स्मरण किया उसमें लिखा है, प्रत्येक संक्रांति पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करवाने लगा और ये योनि को प्राप्त हुआ, इस योनि से छूटा इस योनि में गया, लिखा है सब कुछ लिखा है। अब उत्ते से समझ जाओ कि पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करने का बोला, तो पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का क्यों बोला? वैसे तो रोज कराओ सत्यनारायण जी की कथा, प्रतिदिन कराओ मना नहीं है, आप क्या कोई विशेष फंक्शन है आप सत्यनारायण जी की कथा करवा, पर पूर्णिमा संक्रांति को और संक्रांति को पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का स्मरण क्यों करवाया गया? क्योंकि पूर्णिमा के दिन अगर ये भगवान का व्रत रख लेगी, पूर्णिमा के दिन अगर ये खीर का प्रसाद बना लेगी, थोड़ा सा दूध की कोई सामग्री बना लेगी और भगवान को भोग लगा देगी, भले सत्यनारायण भगवान के भाव से बनाए, भले सत्यनारायण जी के निमित्तार्थ बनाए, पर अगर इसने सत्यनारायण भगवान के निमित्त से बना, पर पूर्णिमा के दिन अगर ये व्रत रखेगी, उपास रखेगी या कोई सामग्री बनाकर भगवान की पूजन कर लेगी, तो इसके घर में जो अशांति है वो शांति में बदल जाएगी। इसलिए कई घरों में आज भी सत्यनारायण भगवान की पूजन हर पूर्णिमा को करती है माता, किताब लेके बैठ जाती है, तुरंत तुरंत उन्हें ऑफिस जाना है, कहीं काम पे जाना, और तुरंत तुरंत उसने तुरंत जल्दी जल्दी कलश रखा, कलश नहीं भी रखे तो भगवान की पूजन कर को रखे,
ब्राह्मण देवता को बुला लेगी, ब्राह्मण नहीं आएंगे तो खुद कर लेगी, पर करती जरूर है। इतना सा आटा सेक लेगी, पंजेरी बनाई, सीरा बनाई, मिठाई रख दे, कुछ भी करेगी, पर सत्यनारायण की कथा कर ले। उसका मन लग गया उसको, मतलब पूर्णिमा को करना है। उसको करने से क्या होता है, शांति रहती, शीतलता रहती। जिसके घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर बनती हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने, वो कहे ना वो सांप और नेवले की लड़ाई क्यों ना, फिर भी शांति हो जाती है। पर प्रत्येक महीने की पूर्णिमा होना चाहिए, ये नहीं कि तुमने एक महीने की पूर्णिमा पे बना लिया और दूसरे महीने की पूर्णिमा को गायब कर दिया। फिर किसी ने कह दिया आज चूरमा तो बन रहा है, दाल बाटी तो बन रही है चूरमे के साथ में, लड्डू बन रहे हैं, तो काय को खीर बना रही हो, तो तुमने अब वो खीर प्रसाद। महापुराण की कथा कहती है महाराज, पूर्णिमा का जो चंद्र है वो विशाल का है, और उस चंद्र की पूर्णता में हमारी अभिलाषाएं भी पूर्ण हो। आप आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं, और कुबेरेश्वर धाम में जितने कथा सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं, जो माताएं करती हो जरा हाथ उठाइए, पूर्णिमा का व्रत जो करती है, करते हो ना आप लोग, रखिए। अब पूर्णिमा के व्रत में आपने कई बार किताब पढ़ी होगी पूर्णिमा की, या आपने व्रत किया होगा, या पूर्णिमा का व्रत आप धारण करे होगे, तो उसमें पूजन कौन से भगवान की होती है, पूर्णिमा के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है? तो कहा पूर्णिमा के व्रत में केले के खंभ लगाकर पूर्णिमा का जो ध्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती की पूजन की, शिव और नारायण की पूजन करी जाती, शंकर और पार्वती का स्मरण किया। किसकी पूजन होती है? शिव पार्वती। क्यों? शंकर और पार्वती का पूजन क्यों करा जाता है पूर्णिमा के व्रत में? क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। किसको पूर्ण बनाया है? लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रख कर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी, एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी, पूर्ण लक्ष्मी। आपको पहले भी कथा में कहा, एक बार भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी मैया ने बहुत तेज स्वर में कह दिया था, नारायण दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, पर सत्य मायने में कहूं ना तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती, मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। भगवान विष्णु ने कहा ये तो गलत है लक्ष्मी आपका कहना। एक दिन लक्ष्मी को अहंकार आ गया, अहंकार के संबोधन जब माता लक्ष्मी करने लगी, तो भगवान उसी समय पर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया, और भगवान विष्णु ने कह दिया लक्ष्मी तू इतनी बड़ी बड़ी बात कहती है कि तेरे बिना नहीं रह सकती संसार, मैं तुझे कहता हूं लक्ष्मी तू अपूर्ण है, तू अपूर्ण है, तू पूर्ण कब हो गई? तेरी पूर्णता कहां हो गई? लक्ष्मी की आंख से आंसू बहने लगे, आज आपने मुझे अपूर्ण कहा, आपको मालूम है आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो, आपको यह ज्ञात हो रहा है आप मुझे अपूर्ण कर रहे हो? भगवान कहते हैं हाँ लक्ष्मी मैंने तुझे अपूर्ण कहा। अपूर्णता का मतलब आप जानते हो ना? भगवान कहते हैं लक्ष्मी मैं सब जानता हूं। लक्ष्मी रोती हुई माता सरस्वती के पास पहुंच गई, सरस्वती ने पूछा क्या बात है लक्ष्मी क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा क्या बताऊं सखी, मेरे पति ने आज मुझे अपूर्ण कह दिया,
तू अपूर्ण, अगर कह दिया पति ने ही तो कहा है ना, तो क्यों रोना, चल मेरे साथ। और सरस्वती मैया माता लक्ष्मी को लेकर सीधे पहुंच गई माता पार्वती की। माता पार्वती की यहां जब पहुंची, माता पार्वती ने लक्ष्मी जी को देखा और सरस्वती को देखा तो पूछा कि बात क्या है, क्या हो गया ऐसा, क्या हुआ, क्या है ऐसा जो तुम दोनों आज मेरे पास में आई, क्या हुआ। पार्वती जी कुछ बोलती, शिव जी का ध्यान माता सरस्वती की ओर और लक्ष्मी की ओर गया और भगवान शंकर जान गए कि आज भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अपूर्ण कहा है। अब देखें माता पार्वती क्या कर सकती, इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या। क्या हुआ, माता सरस्वती जी बोली लक्ष्मी को अपूर्ण कर, अपूर्ण कर दिया। हाँ तो क्या सोचना उसके लिए, इसको मैं अभी पूर्ण बना देती हूं। माता जगत जननी पार्वती ने गोदी में विराजमान गणेश जी को उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया। ले लक्ष्मी आज से तो पूर्ण हो गई, लक्ष्मी आज से तो पूर्ण। गोदी में जब तक संतान नहीं है तो नारी को लोग अपूर्ण समझते हैं, पर माता पार्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सिद्धता प्रदान कर दी कि अपने गोदी के लाल को, अपने गोदी के पुत्र को माता ने लक्ष्मी की गोद में देकर लक्ष्मी को पूर्ण बना। वो दिन कौन सा था, यही शरद पूर्णिमा का दिन था। कौन सा दिन, यही शरद पूर्णिमा का दिन, शरद पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी को पूर्ण करने का दिन। केवल अमृत ही नहीं बरसता, शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी भी बरसती। लक्ष्मी पूर्णिमा के कितने व्रत होते हैं, बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी बोलो। पूर्णिमा के नारियों को, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के लिए, जो नारी वैधव्य नहीं होना चाहती है उस नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए। जिस नारी की संतान नहीं हो, भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को द्वापर में भी बताया है कि पूर्णिमा के 32 व्रत होते हैं। कितने व्रत होते हैं, 32। स्वयं भगवान कृष्ण यशोदा रानी को, माता यशोदा जी को भी बता रहे 32 व्रत। अब आपको किसी ने बता दिया होगा कि 8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो, 12 कर लो, इसलिए आपने बोला कि 12 कर लीजिए, 32 कर लीजिए। पर यहां तो द्वापर की कथा भी कहती है। यशोदा जी ने एक बार भगवान कृष्ण को रोक कर कह दिया, ए कन्हैया रुको। कन्हैया बोले, बोलो माँ क्या बात है। कन्हैया जरा रुकिए, इधर आओ जरा, भगवान कृष्ण आए। हाँ माँ बोलिए, किस जगह का प्रसंग है ये। जिस समय पर राधा रानी कुरुक्षेत्र में नंद बाबा और यशोदा जी को लेकर कुरुक्षेत्र के कुंड में, ब्रह्म सरोवर में स्नान कराने के लिए लेकर जाती है ग्रहण का समय पर, और जब भगवान कृष्ण उस कुरुक्षेत्र के उस सरोवर में स्नान करने आते हैं, तब यशोदा जी ने अपने लाला से प्रश्न किया, पूछा है कि नारी वैधव्य होकर ना मरे। उसका पति कोई रोग से ग्रसित ना हो, उसका पुत्र